और चलिए उदयपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। विधायक की गाड़ी पर पत्थर से हमला हुआ है। कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया की गाड़ी पर यह हमला हुआ है। आज सुबह की बताई जा रही है घटना, सुबह की यह घटना है जहां गाड़ी ओवरटेक करने के चलते हमले की बात आ रही है। पत्थर से ये हमला किया गया। गाड़ी में सवार विधायक बाल बाल बची। वहीं उदयपुर के सुखेर थाना इलाके की ये घटना बताई जा रही है जहां पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको बता दें गाड़ी में विधायक सवार थी, लेकिन शुक्र है कि वो बाल बाल बच गई। उदयपुर के सुखेर थाना इलाके की ये घटना है जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और हमारे सहयोगी उदयपुर से रवि जुड़ गए हैं। रवि, पूरी घटना बताएं। जी बिल्कुल, देखिए दरअसल कुशलगढ़ की जो विधायक है रमीला खड़िया, वो कार में सवार थी और इस दौरान ओवरटेक की बात को लेकर कोई आपस में विवाद हुआ, जिसके बाद जो एक जो दूसरा वाहन चालक है उसने जो विधायक है उसकी गाड़ी पर पत्थर फेंका, जिससे कि विधायक की गाड़ी का कांच टूट गया। हालांकि गनीमत ये रही कि विधायक को किसी तरह की कोई चोट नहीं आई है। इसके बाद जो विधायक है और उनके जो साथ में जो उनके गनमैन और जो ड्राइवर थे, उन्होंने सुखेर पुलिस थाने पर जाकर जो है इस बाबत सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी तक जो पूरा मामला सामने निकल कर आया है वो ओवरटेक के विवाद को लेकर ही इस तरीके से पत्थर फेंकने की बात सामने आ रही है। लेकिन पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर और पूछताछ कर रही है आरोपी से कि आखिर और क्या वजह रही है, किसी तरह की और कोई रंजिश तो नहीं है जिसके चलते इस तरीके से विधायक की गाड़ी पर अटैक किया गया है। जी बिल्कुल, तो रंजिश यहां सामने नहीं आई है। आरोपी से बातचीत में क्या कुछ कहा है, क्या पुरानी कोई रंजिश सामने आई है पुलिस ने जब आरोपी से बात की? जी देखिए, फिलहाल पुलिस जो है आरोपी से पूछताछ कर रही है, बहुत ज्यादा डिटेल जो है वो पुलिस ने साझा नहीं की है। लेकिन प्राइमा फेसी जो पूरा मामला है वो ओवरटेक गाड़ी को ओवरटेक करने के बाद जो विवाद हुआ है उसके बाद ये पत्थर फेंकने की बात सामने आई है। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस जो है, चूंकि विधायक से जुड़ा हुआ मसला है, बेहद गंभीर मामला है, तो ऐसे में तमाम पहलुओं को लेकर पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। जी, और रवि इसमें विधायक का क्या कुछ कहना है, उनका क्या कुछ बयान रहा? जी देखिए, विधायक से अभी बात नहीं हो पाई है, संभव है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए निकल गई हो। लेकिन उन्होंने इस बात से जो रिपोर्ट जो दर्ज कराई है सुखेर थाने पर, उसमें साफ इस तरह की बात ही आई है कि ओवरटेक जो है करते वक्त एक जो दूसरी गाड़ी वाला है उसने पत्थर फेंका है गाड़ी पर, और जिसके चलते उनका शीशा गाड़ी का टूट गया है। तो ऐसे में अभी जो है पुलिस पूरी पूछताछ करेगी, इसके बाद में और चीजें सामने आ पाएंगी और इसके बाद संभव है कि पुलिस जो है पूरे मामले का खुलासा करेगी। और रवि, हमारे साथ विधायक रमीला खुद जुड़ गई हैं। रमीला, बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया पर। जिस तरह से आपकी गाड़ी पर हमला हुआ, क्या कुछ कोई पुरानी रंजिश या किस तरह की ये घटना थी? मेरा साथ तो कोई ऐसा कोई घटना नहीं है, पर हो सकता है ये सरकार क्रोध में उस समय में रही थी, उसमें हो सकता है कुछ न कुछ मेरे खिलाफ ये लोग जाट लोग रसा सकते हैं, इसके वाले कोई भी हो सकता है इसके बारे जी। रमीला, जब पत्थर फेंका गया, उस आरोपी ने पत्थर फेंका, तो क्या कुछ हुआ उस समय, जरा बताएं? पत्थर नहीं, वो लेट लेके उतरा और दो बार मेरी गाड़ी को उसने टक्कर मारने की कोशिश करी और आगे रोक के ने फिर उसने गाड़ी से उतरा और लट लेके उसने ये तोड़ा है शीशा। जी, जब पत्थर फेंका, क्या कुछ उसने बोला भी, कुछ किसी तरह की बात आपसे की या कुछ बहस करने की कोशिश की, लड़ाई करने की कोशिश की? जरूर इस तरह से बोला भाई, कौन विधायक ये, इसने शब्द निकाले और पति गालियां निकाली और तब जाके उसने हमला किया। जी रमीला जी, तो फिलहाल आप इस मामले को कैसे देखती हैं, कि क्या कोई पुरानी रंजिश थी या कोई और है जो आप पर ये हमला करवा रहा था? इसके बारे में तो पुलिस प्रशासन जुड़ा हुआ है, जो भी है पुलिस प्रशासन उसके ऊपर पूरी जुटी हुई है, वो जो भी है उसको डिसीजन निकाल कर मुझे बताएंगे। और हमारे उसके तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे यहाँ वालों से दुश्मनी, हो सकता है राजनीतिक कारणों से कुछ हुआ हो, ये एक अलग, ये मैं मानती हूँ राजनीतिक कारण से हुआ है या व्यक्तिगत, मेरे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जी, तो आप इसे व्यक्तिगत तौर पे हमला नहीं देखती हैं, राजनीतिक कारण ऐसे हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो
रमीला जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। तो आपको ये खबर और साथ ही साथ हमने रमीला जी से भी बात की, विधायक से बात की, और उनका कहना है कि व्यक्तिगत तौर पे कोई रंजिश नहीं थी। इस व्यक्ति ने दो बार ओवरटेक करने की कोशिश की, उसके बाद बाहर निकला, उसने पत्थर मारने की कोशिश की। तो ये उदयपुर से बड़ी खबर, जहाँ विधायक की गाड़ी पर पत्थर से हमला हुआ। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कुशलगढ़ विधायक हैं रमीला खड़िया, जिनकी गाड़ी पर अल सुबह हमला हुआ।